हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस या आप भी हों के प्रकार के बारे में। इसकी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप भी हो या मैट्रिसेस क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, किसी भी आप भी हो में अवयव या एलिमेंट से आप क्या समझते हैं, आव्यूह में कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है और आव्यूह की कोटि क्या होती है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं आव्यूह वाले चैप्टर में, ठीक है। उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो ये हमने नाम लिख दिया है। बेसिकली ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा है कॉलम मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, ठीक। दूसरा है रो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। चौथा है डायगोनल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। पांचवा है स्केलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। छठा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। और सातवा है जीरो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं शून्य आव्यूह, ठीक। ये 7 टाइप के मैट्रिसेस हमने यहां पर लिख दिए हुए हैं। इसके अलावा 3 टाइप और भी हैं जिनका नाम है, एक को हम बोलते हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, जिसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहा जाता है। लास्ट है इसका इनवर्टिबल मैट्रिसेस या व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। उन तीनों को हमने अभी नहीं लिखा है। उसका रीजन यह है कि उन तीनों आव्यूहों को समझने के लिए तत्समक आव्यूह को, सॉरी सममित, विषम सममित और व्युत्क्रमणीय आव्यूह को समझने के लिए हमें कुछ टर्म पहले समझना होगा। कुछ परिभाषाएं और हैं जिनको समझने के पश्चात हम उन परिभाषाओं को सममित, विषम सममित या व्युत्क्रमणीय आव्यूह को समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इन 7 को डीपली डिस्कस करेंगे कि ये आव्यूह का डिफिनेशन क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ठीक। इनको हम कैसे डिनोट करते हैं और कैसे आप पहचानेंगे किसी दी गई आव्यूह को कि वो किस टाइप का आव्यूह है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहला हमारा है कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लिखा हुआ है कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह, मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स या आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम होता हो, केवल एक स्तंभ होता हो, उसको आप कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। बस इतनी सी परिभाषा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एग्जाम्पल लें तो मान लेते हैं कोई आव्यूह ए इस तरीके से लिखा हुआ है, ए बी और सी, ठीक है। ध्यान दीजिए इस पे, इस वाले आव्यूह में केवल एक कॉलम है ए बी सी, ठीक है, जबकि 3 रो हैं, लेकिन हमको मतलब कॉलम से है। अगर कोई भी आव्यूह ऐसा है जिसमें केवल सिंगल कॉलम है, एक कॉलम है या एक स्तंभ है, तो उसको कहा जाएगा स्तंभ आव्यूह। अगर इसका ऑर्डर निकालना चाहें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/ सॉरी, ऑर्डर में हम लोग क्या देखते हैं? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। तो बताओ कितनी पंक्तियां हैं? तो कहोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन पंक्ति होती है, तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 पंक्ति, तो 3 हो गया। और कितने कॉलम है? केवल एक, तो 3/1, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। केवल एक कॉलम होना चाहिए, ये इसकी परिभाषा है। हो गई परिभाषा इसकी, ठीक है। परिभाषा आप ये लिखेंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ए लेके आप दे देंगे इस तरह से, ठीक। ये कंप्लीट। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। इसके भी नाम पे आप ध्यान दीजिए, रो मैट्रिक्स। जैसे यहां पर कॉलम मैट्रिक्स तो केवल एक कॉलम, वैसे यहां पर है रो मैट्रिक्स, मतलब केवल एक रो होनी चाहिए। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक रो या केवल एक पंक्ति हो, उसको आप कहेंगे रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं कोई आव्यूह बी इस तरीके से दिया गया है, ये ठीक है, इस तरह से दिया है ये। मान लेते हैं यहाँ हम एक्स वाई जेड करके कोई भी आप यहाँ अवयव ले सकते हैं ये, ठीक है। देखें, इसमें केवल और केवल एक पंक्ति है बस, इसको कहा जाएगा रो आव्यूह या पंक्ति आव्यूह, ठीक। अब जरा देखो, अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो ऑर्डर में हम जानते हैं पहले पंक्ति फिर स्तंभ। कितनी पंक्तियां हैं? तो कहोगे सर एक पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ हैं? तो 1, 2 और 3। तो इसको ऑर्डर हो जाएगा 1/3, क्योंकि जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं, कोटि लिखते हैं, तो
तो पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या, ये क्लियर है, इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप एग्जांपल नोट कर लीजिए, वैसे तो आसान है, केवल आप इसको सुनते रहिए आपको याद होता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ग अव्यूह की, कि वर्ग अव्यूह क्या होता है, ये अव्यूह या मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल आ जाए, मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ आ जाए, तब आप कहेंगे वो मैट्रिक्स या अव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अव्यूह कहलाएगा, मतलब दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ होने चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कैपिटल ए कोई अव्यूह है, हमको परिभाषा बनानी है वर्ग अव्यूह की, तो क्या है परिभाषा, जितने कॉलम उतने ही रो, तो एग्जांपल मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, यहां मान लीजिए बी सी ए, यहां मान लीजिए सी ए बी, कुछ भी आप मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ क्या वर्ग अव्यूह है, अगर ये वर्ग अव्यूह है तो नंबर ऑफ कॉलम मतलब स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ रो पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तो मुझे बताओ कितनी पंक्तियां हैं, तो कहोगे सर तीन पंक्तियां हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति और तीन पंक्ति, कितने स्तंभ या कॉलम है, तो कहोगे तीन कॉलम है सर, एक कॉलम दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, मतलब इस दिए गए अव्यूह में तीन पंक्तियां हैं और तीन ही स्तंभ है, मतलब दोनों का नंबर इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, इसका मतलब ये वर्ग अव्यूह है। इसको ऑर्डर लिखेंगे तो यहां लिखा जाएगा थ्री बाई थ्री, ठीक है। एक खास बात इसमें आपको ध्यान रखना है, वर्ग अव्यूह को छोड़कर बाकी जो आप मैट्रिक्स लिखेंगे, बाकी जो अव्यूह लिखेंगे उसमें आपको ऑर्डर में हमेशा दो नंबर मिलेंगे, लेकिन वर्ग अव्यूह वाले केस में अगर केवल एक नंबर बताओगे तब भी काम चल जाएगा। जैसे इसको आप या तो कहोगे ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, या तो आप कहोगे केवल ये कोटी 3 का मैट्रिक्स है, या कोटी 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, या वर्ग अव्यूह है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर इक्वल होते हैं, इसीलिए केवल उस नंबर का नाम ले लोगे जिस नंबर का वो मैट्रिक्स है, 3/3 होगा या 4/4 होगा, 5/5 होगा, 2/2 होगा, तो 2/2 है तो कहोगे दूसरी कोटि का वर्ग अव्यूह है, 3/3 है तो कहोगे तीसरी कोटि का वर्ग अव्यूह है, अगर 4/4 है तो मतलब चौथी कोटि का वर्ग अव्यूह है, ठीक है, वो कोटि आप समझते हैं, कोटि में हमेशा पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या होती है, समझ गए वर्ग अव्यूह क्या होता है, ऐसा अव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसको वर्ग अव्यूह कहा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला है डायगोनल मैट्रिक्स, जरा देखिएगा इसी से मैं आपको उसको समझाता हूं, डायगोनल, तो पहला तो यह समझना है कि किसी भी अव्यूह में डायगोनल क्या होता है ना, तो किसी भी अव्यूह में डायगोनल के लिए आपको समझना है, वैसे तो अगर मैं किसी भी आकृति की बात करूं इस तरीके से, मान लो हमने लिया है वर्ग या आयत, तो इसमें क्या होता है डायगोनल, तो कहोगे सर ये कोना मिला दो आप, इसके जो एंड पॉइंट है, एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया, ये बात क्लियर, ये है पहला डायगोनल या विकर्ण और ये है दूसरा डायगोनल या विकर्ण, तो अव्यूह वाले केस में इसको आपको बोलना है, ये जो लाइन मिलेगी आपको अभी मैं कंपेयर करके बताता हूं, इसको बोलेंगे विकर्ण या मुख्य विकर्ण, ठीक है, इंग्लिश में कहना है डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, इससे आपको मतलब है बस, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये, इसी को बोलना है हमको डायगोनल के एलिमेंट या लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट या लीडिंग डायगोनल मुख्य विकर्ण, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला नहीं, मतलब इससे आपको यहां मतलब नहीं है, मतलब यहां पर इस वाले डायगोनल से है, मतलब किसी भी अव्यूह में अगर हम साइड की बात करें तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा राइट साइड, तो आपको लेफ्ट वाले कॉर्नर को नीचे ले जाके राइट वाले कॉर्नर से मैच कराना है जाके उसको, ठीक है, तो जो लाइन मिलेगी आपको ये, उसमें जो जो एलिमेंट है वो कहलाएंगे कि वो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं या मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, ठीक है। अब बात को समझिएगा, जो हमारा अव्यूह है डायगोनल मैट्रिक्स उसकी परिभाषा ये है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, पहली कंडीशन, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो वर्ग अव्यूह तो होगा, साथ साथ में क्या होगा, इसमें इसके जो मुख्य विकर्ण है ये सारे एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे शून्य होंगे, कहने का मतलब
जो मुख्य विकर्ण है वहां कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट रहेंगे, जैसे कि यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, वो सारे के सारे शून्य होने चाहिए। जैसे हमने 3/3 लिया है, अभी 2/2 लेके आप 4/4 लेके, अभी आपको समझाता हूं। इस केस में वर्ग अव्यय में तो ठीक है, आपको केवल ये बोलना है जितने कॉलम उतने ही रो, लेकिन विकर्ण अव्यय में बताना है कि ये वर्ग अव्यय तो होगा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ रो तो होगा ही होगा, साथ साथ में मुख्य विकर्ण के सारे अवयव को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य होने चाहिए, मतलब आपको यहाँ यहाँ सब कहीं शून्य रखना पड़ेगा, तब आप कहेंगे ये जो अव्यय है वो कैसा अव्यय है, ये है विकर्ण अव्यय या डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य होने चाहिए। देखो मैंने ये लिया है 3 कोटि का है ये, अगर मैं 2 कोटि का लूं, मान लीजिए इस तरह से ले लिया मैंने बी, ठीक है, अगर हमको इसको बनाना है, कैसा अव्यय बनाना है, इसको बनाना है डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अव्यय, तो क्या करेंगे, यहां मान लीजिए हम 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसको और इसको हमको 0 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कहेंगे सर ठीक है समझ गए, क्योंकि यहाँ जो मुख्य विकर्ण था इसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बाकी सारे शून्य करना है, तो परिभाषा यहाँ भी वही रहेगी, चेंज तो होगी नहीं, ये इसका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण में 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, यहाँ पर ए सी बी था, यहाँ पर 1 और 2 है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब शून्य है, हमने शून्य कर दिया। बात क्लियर है, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की, ये क्या होता है, ये भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, तो इसी में मैं उसको समझाता हूं कि क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं अदिश अव्यय। क्या बोलते हैं, अदिश अव्यय। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे स्केलर मैट्रिक्स हो, और चाहे आइडेंटिटी, तीनों की बात कर रहा हूं, इवन चाहे आपका जीरो मैट्रिक्स हो, ये चारों मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे जितने मैट्रिक्स हैं वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफरेंशियल में ही आते हैं, या आप कह सकते हैं वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, बस सभी को आप स्क्वायर मैट्रिक्स तो बोल सकते हो, लेकिन जब आप कहोगे डायगोनल, तो डायगोनल होने के लिए स्क्वायर तो रहेगा, कुछ और कंडीशन चाहिए, जैसे कि मैंने बताया वो कंडीशन क्या थी कि मुख्य विकर्ण के सारे अवयव को छोड़कर बाकी सारे शून्य होने चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से यहां भी कोई प्रॉपर्टी होगी वो हम देखते हैं, बिल्कुल वैसे यहां प्रॉपर्टी होगी, बिल्कुल वैसे यहां प्रॉपर्टी होगी, चेक करते हैं। चलो पहले बताते हैं आपको हम कि स्केलर मैट्रिक्स या अदिश अव्यय क्या होता है। इसमें क्या करना है कि जो इसका मुख्य विकर्ण है इसके सारे अवयव इक्वल होने चाहिए, बाकी सारे शून्य होने चाहिए, मतलब जैसे मान लिया जाए कि 2, 2 और 2 हमने यहां ले लिया, बाकी सबको हमने शून्य कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा अदिश अव्यय या स्केलर मैट्रिक्स। इसमें कोई दिक्कत, हमने क्या बताया, ये एक वर्ग अव्यय तो है, अगर इसमें जो मुख्य विकर्ण है इसके सारे अवयव अलग अलग आते और बाकी सारे शून्य आते, तब हम कहते कि अव्यय कैसा है, वो है डायगोनल मैट्रिक्स है। अब क्योंकि विकर्ण के सारे अवयव कुछ ना कुछ तो है ना, लेकिन इक्वल है, अगर इक्वल हो गया, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर विकर्ण के सारे अवयव इक्वल हो जाएं, समान हो जाएं, तभी इस अव्यय को कहा जाएगा अदिश अव्यय या स्केलर मैट्रिक्स। बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कंडीशन है, केवल एक कंडीशन, स्क्वायर तो रहेगा रहेगा, जो विकर्ण के एलिमेंट है वो सारे के सारे समान होने चाहिए। जैसे हमने यहां 2, 2, 2 लिया है, यहाँ आप ए ए ए भी ले सकते हैं, बी 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 भी ले सकते हैं, या कोई भी नंबर, बस सारे इक्वल या समान होने चाहिए, बस यही कंडीशन है। ठीक है, समझ गए, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो ही बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। उसमें क्या होता है, विकर्ण के सारे अवयव एक करना है, बस हो गई परिभाषा, एक यहां पर भी, एक यहां पर भी, और एक यहां पर भी, मतलब ऐसा वर्ग अव्यय जिसमें विकर्ण के सारे अवयव एक होते हैं, विकर्ण कहिए चाहे मुख्य विकर्ण कहिए, कितने अवयव होते हैं, एक होते हैं,
और बाकी सारे शून्य हो जाएंगे। उसको कहा जाएगा कि वो कैसा आव्यूह है, तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ आ गई बात। अब देखिए ये भी वर्ग आव्यूह है, ठीक है, ये वर्ग आव्यूह है। इस वाले आव्यूह को आप बोल सकते हैं कि यह डायगोनल मैट्रिक्स भी है, साथ साथ में स्केल मैट्रिक्स भी है। क्यों है? क्योंकि ये इन दोनों की कंडीशन को फुलफिल करता है। कैसे करता है? यह है हमारा तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या थी कि विकर्ण के सारे जो एक होंगे, बाकी सारे शून्य होंगे, जो कि फुलफिल हो रही है। ये तो हमने परिभाषा बता दी कौन से वाले मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब हमने कहा कि जो तत्समक आव्यूह है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, चेक करके बताइए। स्क्वायर मैट्रिक्स की परिभाषा क्या थी? ऐसा मैट्रिक्स या आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो क्या ऐसा है? चेक करिए इसमें कितने कॉलम है, तो कहोगे सर तीन कॉलम, नंबर 1, 2 और ये 3 है, नहीं है? कितने रो हैं? 1, 2 और 3 इक्वल हैं। इसका मतलब ये वर्ग आव्यूह है। दूसरा, डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। इसकी परिभाषा क्या थी कि विकर्ण के सारे अवयव को छोड़कर बाकी सारे शून्य होने चाहिए। मतलब विकर्ण में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, विकर्ण को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट है वो शून्य होने चाहिए। तो विकर्ण देखो यहाँ पे, इसको छोड़कर बाकी सारे शून्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। मतलब ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण आव्यूह भी है। अगला क्या है? अगला है स्केलर मैट्रिक्स है, अदिश आव्यूह। क्या यह है? तो बिल्कुल है। अदिश आव्यूह की परिभाषा क्या थी कि मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान होने चाहिए और बाकी सारे अवयव शून्य होने चाहिए। ये देखो जरा, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान है और बाकी सारे क्या है? शून्य है, ठीक। और आइडेंटिटी तो यह है, तत्समक आव्यूह तो यह है। बात समझ गए? इसका मतलब जो तत्समक आव्यूह है वो वर्ग आव्यूह भी है, वर्ग आव्यूह भी है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह भी है, स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह भी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह भी है। अब बचता है हमारा लास्ट वाला जीरो मैट्रिक्स। इसके नाम से क्या लग रहा है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारे के सारे एलिमेंट शून्य हो, जीरो हो, उसको कहा जाएगा जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से अगर कोई 2x2 का हम लेते हैं या दूसरी कोटि का वर्ग आव्यूह, तो 0, 0, 0 और 0 ये हो गया। अगर तीसरी कोटि का होता तो वहां पर 3 रो 3 कॉलम कर देंगे, सारे जीरो कर देंगे, बस। समझ गए बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जीरो आव्यूह को हम लोग दिखाते हैं जीरो से। कैसे दिखाते हैं इसको हम? जीरो से, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है, क्लियर है। ये हमने 7 टाइप के मैट्रिक्स से आव्यूह पढ़ लिए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। हाँ, एक कभी कभी क्वेश्चन आता है ये, कोई एक मैट्रिक्स देखा, जैसे कोई एक मैट्रिक्स आपको दिया रहा होगा, जैसा कि हमने अभी आपको देखा। क्या देखा हमने? देखा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो वर्ग आव्यूह भी है, डायगोनल आव्यूह भी है और स्केलर आव्यूह भी है, ठीक है। ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक आव्यूह का नाम लेगा, जैसे मान लो आ जाए फॉर एग्जाम्पल कि क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको बताना पड़ेगा, उसके डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे। या इसका रिवर्स क्वेश्चन आ जाए कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कंडीशन क्या है। या सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ये। लेकिन कब बता पाओगे? जब उसकी परिभाषा आपको याद होगी तब, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आव्यूहों की समानता, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। कि मान लीजिए 2 आव्यूह या 3 आव्यूह आपको दिए गए हैं, तो कब आप कहेंगे कि वो दोनों आव्यूह समान हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, आव्यूहों की समानता, समझ आ रहा होगा। जहां आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि आव्यूहों की समानता क्या होती है, ठीक। मान लेते हैं कोई 2 आव्यूह दिया गया इस तरीके से, आव्यूह नंबर ए
और ये दूसरा अभ्यू, अभ्यू नंबर दो, ठीक है। और अभ्यू को दिखाने का तरीका मैंने बताया था, मान लेते हैं इसको हम दिखाते हैं ए आई जे से, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोटी मान लेते हैं एम बाई एन, और यहां पर जो है कोई दूसरा अभ्यू लेते हैं, इसको हम दिखाते हैं बी आई जे से, ठीक है, इस तरीके से इसका भी ऑर्डर मानते हैं एम बाई में एन मान लेते हैं, ठीक है। एक अभ्यू ए, दूसरा अभ्यू बी। अब आपको बताना है कि अभ्यू ए और अभ्यू बी दोनों समान कब होंगे, इक्वल कब होंगे, तो इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि जिन अभ्यूहों को आप समान कह रहे हो उन दोनों अभ्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए? कोटि, कोटि समान होनी चाहिए। जिस भी अभ्यूह को आप कहेंगे, जैसे मान लो इस केस में आपने कहा कि अभ्यूह ए और अभ्यूह बी दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोनों में दोनों की कोटि इक्वल होनी चाहिए। जिस ऑर्डर का अभ्यूह ए रहेगा उसी ऑर्डर का अभ्यूह बी भी होना चाहिए, मतलब कोटि समान होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, संगत अवयव, वो भी समान होने चाहिए। उसका मतलब समझते हैं अभी, संगत अवयव समान होने चाहिए। संगत अवयव कौन से अवयव? संगत अवयव समान होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी आप कहेंगे कि अभ्यूह ए और अभ्यूह बी इक्वल है या समान है, अन्यथा नहीं है। इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल के द्वारा कि इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। चलो यहां समझ लेते हैं। मान लो कि आपने कोई अभ्यूह ए लिया और उसको आपने ऐसे लिखा ए बी सी और डी, ठीक है, और कोई अभ्यूह आपने बी लिया उसको ऐसे लिखा इस तरीके से ए बी सी और डी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आप कहेंगे सर यहां आपने दोनों तो एक ही ले लिया। बिल्कुल लिया है, क्योंकि समान होने के लिए हमने क्या कहा कि कोटि समान होगी, तो कोटि चेक करो जरा, ये वाला अभ्यू जो है उसका कोटि कितना है, तो कहोगे सर ये सेकंड कोटि का है या टू बाई टू इसकी कोटि है या केवल दो इसकी कोटि है, क्योंकि वर्ग अभ्यू है तो केवल दो कहने से काम चल जाएगा। इसका बताओ कोटि कितना है, तो कहोगे सर इसका भी कोटि दो है या टू बाई टू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज तो समान आ गया, जो कोटि इसकी वही कोटि इसकी, कोटियां दोनों की समान हो गई, ठीक है, ऑर्डर इक्वल है। तो मतलब समान होने की पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई इन दोनों अभ्यूहों के लिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि संगत अवयव समान होने चाहिए, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होने चाहिए। तो जरा देखो संगत का मतलब क्या, इसका पहला अवयव, पहला का मतलब पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट ए है, यहां भी कितना है ए है। इसका दूसरा, दूसरे का मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, इसका बी है, तो यहां भी आओ जरा इसका भी बी है कहोगे। यहां पर देखो जरा दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट यहाँ कितना है सी, तो यहां भी कहोगे सी। वैसे यहां पर देखिए दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट कितना है, तो कहोगे सर डी है, यहां भी कितना है डी है। मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब यहां पर ए और बी दोनों समान अभ्यूह हैं। एक बात और, यहां आपको लग रहा होगा सर तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आपने ये कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन, कोटि समान होनी चाहिए और संगत अवयव मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए, इनको नहीं समझा है, तो जब कभी आपको दो अभ्यूह दिया रहेगा जिनमें आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहां आपको आसान लग रही, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया है, जो ये वही है, और ऐसा होगा तभी समान कहलाएगा, तब तो आपको लग रहा सर बहुत आसान है, ये बिल्कुल आसान है, लेकिन ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है ताकि जब कभी कोई दो अभ्यूह इक्वल करके दिया हो तो आप कंपेयर करके जो अज्ञात मान है उसको निकाल सके, ठीक है। क्योंकि याद रखना है कोई भी अभ्यूह सॉल्व नहीं होता है, मतलब किसी अभ्यूह का आंकिक मान आप नहीं निकाल सकते हैं, वो हल नहीं होता है। जब भी हम किसी अभ्यूह के अंतर्गत किसी अवयव की अवयव का मान निकालना होता है हमको, तो हमेशा हम दो अभ्यूह को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके ही उस अवयव का मान निकालते हैं। या अगर कोई अभ्यूह आपको दिया गया है, किसी अभ्यूह को फाइंड करना है, तो अभ्यूह को जब हल करेंगे तो अभ्यूह के रूप में उसका आंसर आएगा, कोई अंक या कोई डिजिट नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो इसको भी हम समझेंगे,
कि अगर कोई दो समान आरबीयू दिया गया है या इक्वल टू का साइन है दोनों के बीच में, तब जो टर्म अननोन है, जो अवयव अज्ञात, उसको हम कैसे निकालेंगे। एक तो देख लेते हैं, ये दो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर दो, दोनों में अज्ञात मान आपको निकालना है, मतलब एक्स वाई जेड का मान निकालना है, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। देखिए यहां पर लगा हुआ है समान का चिन्ह या इक्वल टू का साइन, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी लगा हुआ है, मतलब ये वाला आरबीयू और ये वाला आरबीयू समान है, समान है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन कोटि समान होनी चाहिए, जो कि है ये भी दूसरी कोटि का आरबीयू है, ये भी दूसरी कोटि का आरबीयू है, यहां पर ये भी दूसरी कोटि का आरबीयू है, ये भी दूसरी कोटि का आरबीयू है। कंफ्यूज मत होना कि सर यहां तो लिखा हुआ एक्स प्लस वाई, मतलब यहां जो है एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, नहीं, जब भी पद होगा तो प्लस या माइनस वो एक ही अवयव को बताएगा, वो दो अवयव नहीं है, मतलब यहाँ पर x प्लस वाई एक अवयव है, यहाँ पर 5 प्लस जेड दोनों मिला के एक अवयव बनेगा, यहाँ तो है ही है, यहाँ पर x इंटू वाई मिला के एक अवयव बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलो यहाँ देखते हैं, देखो जरा इसका पहला एलिमेंट कितना है, चार, इसका कितना है y, तुलना ही करना हमको केवल, बस आंसर आ जाएगा, मतलब y का मान कितना आ गया इस केस में, चार, पहला मान तो आ गया, हल कर रहे हैं इसको हम। ठीक है, कितना आसान है, कितना सरल है। इसका दूसरा कितना है, जेड। अच्छा दूसरा कहोगे या कहोगे पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट, उसकी पोजीशन ये है, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, तीन, तो कहोगे सर यहाँ तीन बराबर जेड या जेड बराबर तीन, ये भी आ गया। फिर देखो जरा यहाँ पर एक्स है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट, यहाँ पर क्या है एक है, तो एक्स का मान कितना आ गया एक, बस हल हो गया, टू इजी, बिल्कुल आसान। यहां पर आओ जरा, यहां पर पहला एलिमेंट क्या है एक्स प्लस वाई, और वहां पर कितना है x प्लस वाई, यहां पर कितना है 6, तो कहोगे सर x प्लस वाई का मान हम पुट कर देंगे 6, बिल्कुल पुट कर देंगे। आगे देखो जरा, दो दो है ही है, 5 प्लस जेड कितना है 5 के बराबर, तो यहां हम लिखे दे रहे हैं 5 प्लस जो जेड है वो किसके बराबर है 5 के इक्वल में है कि नहीं है, देखो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करें क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 5 को ट्रांसफर करेंगे आप तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0 या 0। ठीक है, और देखो जरा एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा 8 के बराबर, तो ये हो जाएगा x इंटू में y इज इक्वल टू में 8। अब क्या करना है आपको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, चलिए मैं करके बता दे रहा हूं। इसमें क्या होगा, जब भी आपको इस टाइप का मिले, यहाँ पर x प्लस वाई और फिर एक्स वाई, दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ से x का मान निकाल लो y के फॉर्म में, और ये y का मान निकाल लो x के फॉर्म में, यहाँ पुट कर दो, ये बनेगा द्विघात समीकरण, इसको हल कर लो। एक तरीका और भी है कि हम एक फॉर्मूला यहाँ पर याद कर लें, ये होता है, क्या होता है, x माइनस वाई स्क्वायर टू स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाता है x प्लस वाई का होल हाफ स्क्वायर और माइनस का 4xy। ठीक है, यहाँ मान रखो जरा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक्स वाई का मतलब कितना 8। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे सर होता है 36, कितना होता है 36 होता है, माइनस और माइनस ये कितना आ जाएगा जरा 8 4 32 ना, 4 8 32 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 32, 36 माइनस 32, तो कहोगे सर ये हो जाएगा रूट का 4 और 2 निकलेगा यहां से, कितना निकलेगा, हालांकि प्लस माइनस 2 आएगा लेकिन 2 लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखो जरा ये समीकरण नंबर एक, ये दो, इसको आप मान लीजिए 3। अब ध्यान से देखिए, क्या आप एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इक्वल टू है, दोनों को आप हल कर लीजिएगा, तो यहाँ से x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल आसान है ये, तो हल कर लेंगे। वैसे तो ऐसे दिख रहा है, देखो पहले क्या करें, दोनों को जोड़ लें, तो y से y कट जाएगा, x प्लस एक्स टू एक्स बराबर 2 प्लस 6 8 आएगा, 2x = 8, x का मान कितना आ गया 4 आ गया, आ गया ना। अब x का मान 4 पुट कर दो आप, चाहे यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, चलो यहीं पुट करते हैं, x का मान 4 पुट करोगे यहाँ पे, यहाँ 4 आएगा, 4 को ट्रांसफर करो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है,
एक तरीके से आपके लिए होमवर्क है, उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है? बहुत आसान है, नहीं आता है तो बताइएगा, फिर बता देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1, ठीक है? थैंक यू।